नमस्कार, मैं आलोक सिंह आज आप लोगों के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर यदि कोई सीवियर पेन हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रही हो, उस कंडीशन में जो फिजिशियंस हैं या जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो ओपोइड्स ड्रग को प्रेस्क्राइब करते हैं, ओपोइड ड्रग को प्रेफर करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो ओपोइड एनाल्जेसिक्स हैं, ये ओपोइड एनाल्जेसिक्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिक देन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ऐसा क्या है कि ओपोइड एनाल्जेसिक का यूज हम लोग स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं, आज हम लोग इसी की जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि जो ओपोइड ड्रग्स हैं उन ओपोइड ड्रग्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, या जो हमारी ओपोइड एनाल्जेसिक्स हैं वो ओपोइड एनाल्जेसिक्स का हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे होता है, किस रूट से हम इन ओपोइड ड्रग्स को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, और ये ओपोइड ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, इन सभी की जानकारी आज हम लोग हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दो वर्ड्स हैं, पहले हम लोग उन दो वर्ड्स को डिफाइन करते हैं कि वो वर्ड्स क्या हैं। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड का कहाँ पे यूज करें। पहला वर्ड हमारा है दैट इज द ओपोइड्स, और दूसरा वर्ड हमारा है दैट इज द ओपिएट्स, ओपोइड्स एंड ओपिएट्स। इसका डेफिनेशन हम लोग ने पिछली क्लास में स्टडी कर लिया था जब हम लोग ये स्टडी कर रहे थे कि ओपोइड रिसेप्टर्स क्या है। आइए हम लोग उन्हीं डेफिनेशन को एक बार इन शॉर्ट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा दैट इज द ओपोइड्स। ओपोइड्स का मतलब हुआ कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, और जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ओपियम के जैसा है या मॉर्फीन की जैसा है, तब हम उस तरह के केमिकल कंपाउंड का एक कॉमन नाम देते हैं, और वो नाम हमारा है दैट इज द ओपोइड्स। तो ओपोइड्स क्या हो गया कि कोई भी नेचुरल कंपाउंड या कोई भी सिंथेटिक कंपाउंड जिनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ओपियम या मॉर्फीन की तरह होगा, उन कंपाउंड्स को हम लोग नाम देंगे दिस ऑल कंपाउंड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपोइड्स। और जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ओपिएट्स, तो ओपिएट्स का मतलब होता है कि कोई भी इंग्रेडिएंट, जो इंग्रेडिएंट हमें क्रूड ओपियम से, मीन्स ओपियम प्लांट या पॉपी प्लांट से या पॉपी सोमनिफेरम से हमें मिल रहा हो, उस ओपियम प्लांट से जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलेगा, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट का हम लोग एक कॉमन नाम देते हैं, और वो कॉमन नाम हो गया दैट इज़ द ओपिएट्स। मीन्स कि ओपोइड और ओपिएट्स दो अलग अलग वर्ड हैं। तो आज का जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड या क्लासिफिकेशन ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक्स। जब हम इसे क्लासिफाई करते हैं तो इसे हम लोग मेनली फोर क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, फोर क्लास में डिवाइड कर सकते हैं कि देयर आर फोर क्लासेस ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक या देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक्स, और उनका नाम है, फर्स्ट को कहेंगे स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट, दूसरा को कहेंगे माइल्ड टू मॉडरेट एंटागोनिस्ट, तीसरा को कहेंगे मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, और लास्ट को हम लोग कहेंगे दैट इज द ओनली एंटागोनिस्ट। मीन्स ये चार कैटेगरी हो गई कि इन चार कैटेगरी या इन चार ग्रुप्स में ओपोइड ड्रग्स को हम लोग प्लेस कर सकते हैं। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं एगोनिस्ट, इसका मतलब हुआ कि वैसा ड्रग जिस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मॉर्फीन की तरह है, ओपियम की तरह है, तब हम उन ड्रग्स को कहेंगे कि दीज आर द स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट। यदि कोई ऐसा ड्रग है जिसका इफेक्ट मॉर्फीन से की तरह या ओपियम की तरह तो है, लेकिन उससे उनका इफेक्ट जो है, वो जो पोटेंसी है, वो पोटेंसी थोड़ी सी कम है, तब हम उस तरह के ओपोइड का नाम देते हैं माइल्ड टू मॉडरेट एगोनिस्ट।
अब सपोज करें कि कोई ऐसा हमारे पास ओपियोइड ड्रग्स है जिस ओपियोइड ड्रग्स के अंदर दोनों इफेक्ट आ रही हैं, मींस वो उसका कुछ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो मॉर्फिन या ओपियम की तरह है और कुछ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है जो मॉर्फिन और ओपियम के जस्ट अपोजिट है, तब हम उस तरह के ड्रग का नाम देते हैं, दीज आर मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। और जो सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज द ओपियोइड एंटागोनिस्ट। ओपियोइड एंटागोनिस्ट मींस क्या हुआ कि वैसा ड्रग या वैसा कंपाउंड कि जिसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ओपियम के जैसा है लेकिन वो इफेक्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है किसके, तो ओपियम या मॉर्फिन के। मींस कि वैसा एजेंट जो एजेंट ओपियम या मॉर्फिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर रहा हो, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा हो, तब हम उस तरह के ओपियोइड का नाम देंगे, दीज आर द ओपियोइड एंटागोनिस्ट्स। अब यहाँ पे प्रश्न ये आ सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है कि यदि वो ड्रग ओपियोइड के जस्ट अगेंस्ट काम कर रहा है तब हम उसे ओपियोइड कैटेगरी में क्यों रखेंगे। बहुत ही सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये जो सारी की सारी ड्रग्स जो हम लोगों ने स्टडी किया, फोर कैटेगरीज ऑफ ड्रग, ऑल दीज ड्रग्स एक्ट थ्रू द ओपियोइड रिसेप्टर्स, के हमारे बॉडी में ओपियोइड रिसेप्टर्स होंगे और उन ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ ये ड्रग कंबाइन करेंगे और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इसलिए हम लोगों ने इसे एक कैटेगरी के अंदर रखा और वो कैटेगरी हमारा है दैट इज द ओपियोइड्स। लेकिन ओपियोइड्स का इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि इसको हम लोगों ने फोर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा जो सबसे पहला एग्जांपल है, पहला क्लास है दैट इज द स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट, तो जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज मॉर्फिन, हीरोइन, फेंटानिल, पैथिडीन, ये सारे हमारे सल्फानिलमाइड, ये हमारी जो है ऑल आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट। ठीक उसी तरह से जो माइल्ड और मॉडरेट एगोनिस्ट है उसमें जो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज द कोडीन, और इस तरह से और सारे एग्जांपल्स हैं। मैं सभी का नाम नहीं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ मैं रीड नहीं करूँगा कि उसका यूँ ही टाइम वेस्ट होगा। बस आपको इतना जान लें कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को हम लोग फोर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे पहला ड्रग है दैट इज द मॉर्फिन, और इस मॉर्फिन को कहते हैं इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट, और ये मॉर्फिन ओपिएट कैटेगरी के अंदर भी आती हैं और ये मॉर्फिन ओपियोइड के ग्रुप में भी आएंगी। जो मॉर्फिन है इस मॉर्फिन को हम लोग प्रोटोटाइप ड्रग कहते हैं। प्रोटोटाइप ड्रग मतलब क्या हुआ कि वैसा ड्रग जिसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हम मैक्सिमम हो, और जो दूसरे इस कैटेगरी के अंदर ड्रग्स होंगे उनको हम लोग इसी मॉर्फिन के साथ कंपेयर करेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा मॉर्फिन है इट इज़ अ प्रोटोटाइप ओपियोइड एनाल्जेसिक। जब हम केमिकल देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि ये केमिकली इट इज़ द फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स, लेकिन हम लोग इसके केमिस्ट्री पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, मेनली हम लोग इसके फार्माकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट करेंगे। ये जो हमारा जो ओपियोइड है इस ओपियोइड में के साथ ये कहाँ से मिलेगा, तो फ्रॉम द क्रूड ओपियम, और क्रूड ओपियम से मॉर्फिन के साथ साथ एक और कंपाउंड, एक और एक्टिव इंग्रेडिएंट मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं इट इज़ द कोडीन। लेकिन जो कोडीन होता है उसकी जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट मॉर्फिन से कम होती हैं, इसीलिए कोडीन को हम रखते हैं अंडर द कैटेगरी मॉडरेट एनाल्जेसिक या माइल्ड टू मॉडरेट एनाल्जेसिक। ये जो हमारी जो भी इसकी एनाल्जेसिक इफेक्ट होंगी वो एनाल्जेसिक इफेक्ट इन फोर ओपियोइड रिसेप्टर्स के थ्रू परफॉर्म होती हैं, और ये जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं इनका नाम दिया गया म्यू रिसेप्टर, सिग्मा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर एंड द कैपा रिसेप्टर। इन चारों रिसेप्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी पिछली क्लास में कर लिया था, यहाँ पर हम लोग इससे ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जानेंगे कि जो हमारा मॉर्फिन है जो कि एक प्रोटोटाइप ओपियोइड एनाल्जेसिक है और एक स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ये अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बाय एक्टिंग ऑन दीज फोर रिसेप्टर्स। इन चार रिसेप्टर्स में से जो म्यू रिसेप्टर्स है उससे उसके साथ इसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती हैं, और ये सिग्मा रिसेप्टर के साथ इसकी एफिनिटी सबसे कम होंगी, और ये बाकी के जो दो रिसेप्टर्स बच गए इसके साथ इसकी एफिनिटी होती है दैट इज़ द वेरिएबल एफिनिटी, मींस वो इसकी एफिनिटी इंक्रीज भी कर सकती हैं और इससे इसकी एफिनिटी डिक्रीज भी कर सकती हैं। मतलब क्या हुआ कि जो मॉर्फिन ड्रग है, जो मॉर्फिन ड्रग हमारे बॉडी में ओपियोइड एनाल्जेसिक का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो इफेक्ट इन्हीं फोर ओपियोइड रिसेप्टर्स के थ्रू करेगा, और इनके
जो सबसे ज़्यादा एफिनिटी है दैट इज विद द म्यू रिसेप्टर, और जो सबसे लोएस्ट एफिनिटी है दैट इज विद द सिग्मा रिसेप्टर्स। तो इसका हम लोग और डिटेल इसका स्टडी करेंगे कि ये किस तरह से ये ओपवाइड ड्रग यहाँ पे इन रिसेप्टर्स साथ कंबाइन करके अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ओपवाइड ड्रग्स हैं इन ओपवाइड ड्रग्स का फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, मीन्स ये ओपवाइड ड्रग्स हमारे बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस तरह से मेटाबोलाइज होंगे और किस तरह से हमारे बॉडी से ये एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉर्फिन। जब हम इसके एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये ड्रग एक ऐसा है जो ड्रग बहुत रैडली बहुत इजीली पैरेंट्रल रूट से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और यूजुअली हम लोग सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर रूट यूज़ करते हैं टू एडमिनिस्टर द मॉर्फिन इन द बॉडी, दैट इज द सबक्यूटेनियस रूट और इंट्रामस्कुलर रूट। इसके अलावा इसका एब्जॉर्प्शन GIT के थ्रू भी होता है, और वहाँ भी यही कहा जाता है कि इट इज़ रैडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द GIT, लेकिन जब GIT के थ्रू इसके एब्जॉर्प्शन होगा तो वो एब्जॉर्प्शन रिलायबल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कभी एब्जॉर्प्शन वो फास्ट हो जाएगा, इरेटिक इन नेचर होगा। इरेटिक मीन से कि कभी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा और कभी वो कम हो जाएगा, इसीलिए हम इसे अनरिलायबल कहेंगे। और दूसरा कि इसके द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होता है कहा गया क्या कि स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि मॉर्फिन का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में रैडली हो जाता है, हो सकता है या होता है, और इसे हम लोग पैरेंट्रल रूट या ओरल रूट से दे सकते हैं, या दोनों रूट से ये रैडली एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है कि ये जब इसको हम लोग GIT के थ्रू एब्जॉर्ब बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों कहा जा रहा है? थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि जब ये ड्रग GIT के अंदर एंटर करेगा तो वहाँ पर इसके साथ क्या क्या चेंजेस होती हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जैसे ये GIT के अंदर एंटर करता है वहाँ पर ये इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया कि इस ड्रग को ब्लड के सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले ही इसका जो केमिकल नेचर है वो केमिकल नेचर हमारे बॉडी के द्वारा चेंज कर दिया जाता है, और उस समय कहेंगे इट इज़ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि जब हम GIT के थ्रू इस ड्रग को बॉडी अंदर एडमिनिस्टर करेंगे तो ये ड्रग हमारे GIT के अंदर मेटाबोलाइज हो जाएगी, और कहां कहां पे मेटाबोलाइज होगी तो इन द गट, गट मींस इन द स्टमक एंड इन द लीवर, की लीवर के अंदर इसका फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म हो जाएगा और GIT में भी इसका फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म होगा। इससे क्या होगा कि इसका केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा और लगभग ओनली 25% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड ड्रग जो होंगी वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करेंगी। इसलिए कहा जाता है कि जो इसका जो GIT एब्जॉर्प्शन है दैट इज द स्लो एब्जॉर्प्शन। तो क्या हम लोग ने अभी किया, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जब इससे हम GIT के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे तो ये ड्रग GIT से एब्जॉर्ब तो हो जाएंगे बट इट विल अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनसाइड द GIT वॉल एंड इनसाइड द लीवर, और इससे क्या होगा कि इसका जो 75% ड्रग्स होंगे वो मेटाबोलाइज हो जाएंगे और सिर्फ 25% ड्रग ही ब्लड के अंदर एंटर करेंगे, और वही 25% ड्रग हमारे बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जब इसे हम लोग पैरेंट्रल रूट से देंगे तो इसका 100% एब्जॉर्प्शन होगा, 100% इसकी बायोबिलिटी हो जाएगी और वो ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल रहेंगी टू प्रोड्यूस दिस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसका डोज कैलकुलेट करेंगे तो यदि हम इसे GIT के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे तो वहाँ का डोज जस्ट डबल होगा कंपेयर टू द पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट और GIT के रूट में जब हम डोज कंपेयर करेंगे तो GIT का रूट जो डोज होगा दैट विल बी द जस्ट डबल टू द पैरेंट्रल रूट, पैरेंट्रल डोज ऑफ द मॉर्फिन दिस ओपियम।
अब जब ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर हो गई, एडमिनिस्टर होने के बाद ये ब्लड में एंटर करेंगी और ब्लड के अंदर ये इसका जो 30% पार्ट हो, जो एब्जॉर्ब्ड पार्ट है या जो ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में अवेलेबल है, जो ड्रग एक्टिव ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में अवेलेबल है, उसका जो 30% पार्ट होगा वो पार्ट हमारा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन कर लेगा और जो नेक्स्ट जो 70% एब्जॉर्ब्ड ड्रग हैं जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं वो फ्री फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहेंगी और ये जो फ्री ड्रग होगा वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे एक बात और जानना जरूरी है कि मॉर्फीन एक ऐसा ड्रग है जिसका हम लोग मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका नॉन मेडिकल पर्पस के लिए भी अनएथिकली मॉर्फीन का यूज़ किया जाता है फॉर द नार्कोटिक पर्पस और फॉर टू प्रोड्यूस द यूफोरिक इफेक्ट, मींस नशा प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत से लोग इस ओपियम या मॉर्फीन का यूज करते हैं, दैट इज द नॉन मेडिकल यूज। यूजुअली जो लोग नॉन मेडिकल यूज करते हैं वो इस ड्रग को स्मोक के फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे, मींस इसका इनहेलेशन करेंगे और इनहेलेशन करने के बाद इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, तो फ्रॉम द लंग्स, और जो लंग्स से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है दैट इज द फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन, मींस हम जब कंपेयर करेंगे सभी रूट का जो सबसे जो फास्ट एब्जॉर्प्शन है दैट इज थ्रू द लंग्स, और वो हम लोग मेडिकल पर्पस के लिए इस रूट का यूज नहीं करते, यूजुअली इस रूट का यूज किया जाता है फॉर द नॉन मेडिकल पर्पस और एज ए ड्रग एब्यूज हम इस मॉर्फिन का यूज करते हैं, दैट इज थ्रू द इनहेलेशन रूट। मींस जो ओपियम है वो हमारे बॉडी के अंदर थ्री रूट से एडमिनिस्टर किया जा सकता है, एक को कहेंगे थ्रू पैरेंट्रल रूट, दूसरे कहेंगे थ्रू GIT रूट और तीसरे कहेंगे थ्रू इनहेलेशन। तो इनमें से जो मेडिकल पर्पस के लिए जो बेस्ट रूट है दैट इज थ्रू द पैरेंट्रल रूट, दैट इज द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि ड्रग हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होने के बाद वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट भी हो गई। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन, जब इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि बॉडी का जो कुछ ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स में इनका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो जो ऑर्गन है दीज आर द लीवर, कि बॉडी के लीवर के अंदर इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, बॉडी के किडनी में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, बॉडी के स्प्लीन में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। मींस थ्री ऑर्गन का नाम लिया गया, दैट इज द लीवर किडनी एंड स्प्लीन, इनके अंदर इनका जो सर्कुलेशन होगा इनका जो कंसंट्रेशन होगा वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये ड्रग हमारे जो प्लासेंटल बैरियर है उस प्लासेंटल बैरियर को ये क्रॉस कर जाते हैं। सपोज करें कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उस प्रेग्नेंट लेडी को मॉर्फिन एडमिनिस्टर कर दी गई फॉर द मेडिकल पर्पस और फॉर द नॉन मेडिकल पर्पस, उस कंडीशन में ये मॉर्फिन प्लासेंटल बैरियर को बहुत आसानी से क्रॉस कर जाता है और जो बेबी होगा जो फीटस है उस फीटस के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ये भी पाया गया है कि इस मॉर्फिन का जो इफेक्ट है वो फीटस के ऊपर ज़्यादा होता है कंपेयर टू द वुमेन, की जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट हम कंपेयर करेंगे और फीटस में कंपेयर करेंगे तो फीटस पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू द प्रेग्नेंट वुमेन। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जब वो फीटस से बच्चे का डिलीवरी हो गई, बच्चा जब न्यू बॉर्न आ गया तो उस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर विड्रॉवल सिम्टम पाई जाती हैं। विड्रॉवल सिम्टम का मतलब क्या हो गया कि यदि सपोज करें कोई पर्सन है उसे हम लोग मॉर्फिन दे रहे हैं और मॉर्फिन अचानक देना बंद कर दिया गया तो उनके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं और उस चेंजेस का हम नाम देते हैं इट इज़ द विड्रॉवल सिम्टम। ये विड्रॉवल सिम्टम्स क्या होती हैं इसको हम लोग अलग चैप्टर में स्टडी करेंगे, बस यहाँ पे हमें इतना जानना है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होंगी उस बेबी के अंदर विड्रॉवल सिम्टम्स अपीयर होंगे। बेशक मदर में विड्रॉवल सिम्टम्स अपीयर ना हो लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उस न्यू बॉर्न बेबी में विड्रॉवल सिम्टम्स अपीयर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उस कंडीशन में हमें मॉर्फिन
अवॉइड करना चाहिए एज ए मेडिसिन और नशा पर्पस के लिए। यदि वो ऐसा कोई प्रेग्नेंट लेडी मॉर्फिन का यूज़ करती हैं फॉर द मेडिकल पर्पस और फॉर द नॉन मेडिकल पर्पस, उस कंडीशन में उस मॉर्फिन का हार्मफुल इफेक्ट फीटस के ऊपर जरूर आएगा। अब प्लासेंटल बैरियर के बाद एक और बैरियर की नाम आती हैं जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, दैट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो मॉर्फिन जो होगा वो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा, हालांकि इसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है दैट इज थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन ये ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता। और उसका सिर्फ कारण सिर्फ ये है कि ये ड्रग जो होता है इट इज़ नॉट लिपोफिलिक इन नेचर, कि लिपोफिलिक नहीं है, ये लिपिड लविंग ड्रग नहीं है, या इसकी जो लिपोफिलिसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और चूंकि इसकी लिपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये मॉर्फिन जो नेचुरल ओपियोइड से मिल रही है वो आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, वो सिंथेटिक कंपाउंड्स हमारी हैं जैसे कि फेंटानिल या हीरोइन। ये फेंटानिल या हीरोइन है, ये सिंथेटिक कंपाउंड है जो मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और ये भी ओपियोइड ड्रग है, मीन्स इसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो मॉर्फिन के जैसा ही होता है। तो ये जो दो ड्रग हैं फेंटानिल और मॉर्फिन, या और भी बहुत सारे ड्रग हैं जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ये ड्रग हमारे बॉडी के अंदर यदि एडमिनिस्टर किया जाए तो ये ड्रग बहुत आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। मतलब कि ये जो ड्रग होते हैं दीज बोथ ड्रग्स आर लिपोफिलिक इन नेचर, ये लिपोफिलिक इन नेचर होती हैं। और चूंकि ये लिपोफिलिक इन नेचर है इसलिए इस ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, उस वो एब्जॉर्प्शन बहुत आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। अभी हम लोग जानेंगे कि फेंटानिल और हीरोइन ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू द मॉर्फिन, ऐसा क्यों है। पहला तो हम लोगों ने जान लिया कि चूंकि ये ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, इनके अंदर लिपोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये ड्रग बहुत आसानी से हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके CNS में एंटर कर जाएंगी। अब हम लोग जानते हैं इस मॉर्फिन के मेटाबॉलिज्म के बारे में कि इस मॉर्फिन का हमारे बॉडी में कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। हम सभी को मालूम है कि जो मैक्सिमम जो ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होंगे वो होंगे थ्रू द लीवर, मीन्स इसका लीवर के अंदर मेटाबोलाइजेशन होती हैं। और यहाँ जो मेटाबोलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है दैट इज़ द ग्लूकोरोनाइडेशन, मीन्स ये ग्लूकोरोनाइडेशन के थ्रू मॉर्फिन बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होंगी। और कहाँ पे? तो इनसाइड लीवर। होता क्या है कि लीवर के अंदर एक केमिकल पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड। ये ग्लूकोरोनिक एसिड मॉर्फिन के साथ कंबाइन करती हैं और कंबाइन करने के बाद ये कंपाउंड बनाती हैं जिसका हम लोग नाम देते हैं दैट इज़ द मॉर्फिन 6-ग्लूकोरोनाइड। उस कंपाउंड का नाम है मॉर्फिन 6-ग्लूकोरोनाइड। और दूसरा कंपाउंड बनता है उसका नाम है मॉर्फिन 3-ग्लूकोरोनाइड। मीन्स मॉर्फिन विल अंडरगो ग्लूकोरोनाइडेशन इनसाइड द लीवर बाय कंबाइनिंग विद द ग्लूकोरोनिक एसिड टू फॉर्म टू कंपाउंड, वन इज द मॉर्फिन 6-ग्लूकोरोनाइड एंड अनदर इज द मॉर्फिन 3-ग्लूकोरोनाइड। जो मॉर्फिन 6-ग्लूकोरोनाइड है इट इज़ फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड, मीन्स कि जो एक्शन मॉर्फिन का होता है फार्माकोलॉजी वही सारी इफेक्ट इस मॉर्फिन 6-ग्लूकोरोनाइड का भी होता है। इवन दिस मॉर्फिन 6-ग्लूकोरोनाइड इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, मीन्स इसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो मॉर्फिन से भी ज़्यादा पाई जाती हैं। जबकि जो दूसरा कंपाउंड हमारा है दैट इज द मॉर्फिन 3-ग्लूकोरोनाइड, ये मॉर्फिन 3-ग्लूकोरोनाइड है, दिस इज द
इनएक्टिव कंपाउंड, और ये मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड हमारे बॉडी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द मॉर्फिन। अब हम लोग आते हैं अपने कंपाउंड दैट इज द हीरोइन पे या फेंटानिल पे। जो हीरोइन है, इस हीरोइन का केमिकल नाम होता है, इट इज द डाई एसिटाइल मॉर्फिन एंड इट इज ए लिपोफिलिक कंपाउंड। मीन्स ये जो हीरोइन है बहुत आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके CNS के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मीन्स इसका जो CNS इफेक्ट है दैट इज द मोर स्ट्रॉन्गर देन द मॉर्फिन। जो हमारी हीरोइन है, इस हीरोइन की भी मेटाबॉलिज्म होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है लीवर के अंदर, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद एक नया कंपाउंड बनाता है जिसका लोग नाम देते हैं 6-मोनोएसिटाइल मॉर्फिन। पहले क्या था, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, और ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन की हाइड्रोलिसिस हो गई और क्या बना दिया इसने, मोनो एसिटाइल मॉर्फिन। ये जो मोनो एसिटाइल मॉर्फिन है और जो हीरोइन है, ये दोनों के दोनों लिपिड सॉल्युबल होते हैं और दोनों के दोनों के अंदर CNS के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और वो मॉर्फिन के जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन चूंकि ये दोनों ड्रग बहुत आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, इसलिए जो इसका जो CNS इफेक्ट होगा दैट विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर देन द मॉर्फिन। फिर जो ये 6-एमिनोएसिटाइल मॉर्फिन है, इस 6-एमिनोएसिटाइल मॉर्फिन का फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा लीवर के अंदर और वो क्या बनाएंगे, दैट इज द मॉर्फिन। मीन्स और मॉर्फिन का फिर हम लोग आगे जान चुके हैं कि मॉर्फिन जो होगा वो फर्दर क्या बना लेगा, मॉर्फिन 6-ग्लूकोरोनाइड। इसका मतलब हो गया कि जो हीरोइन है, ये हीरोइन एक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगी, इसलिए इस हीरोइन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो मॉर्फिन से ज़्यादा होगा, स्पेशली ऑन द CNS। अब इस एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो हम लोगों ने यह जान लिया कि जो मॉर्फिन है, उस मॉर्फिन का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से किस फॉर्म में हो रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फिन 3-ग्लूकोरोनाइड, और ये मॉर्फिन 3-ग्लूकोरोनाइड यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती हैं। लेकिन एक पॉइंट और यहां ध्यान देना है कि जो मॉर्फिन होता है, ये मॉर्फिन स्लाइटली लिपिड सॉल्युबल है और ये मॉर्फिन जो होता है बहुत आसानी से एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाता है। दोनों के दोनों ड्रग, जब हम यदि हीरोइन की बात करें तो 6-मोनोएसिटाइल मॉर्फिन, और जब हम मॉर्फिन की बात करेंगे तो जो मॉर्फिन इटसेल्फ है, ये दोनों की दोनों जो होती हैं वो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाती हैं। अब प्रश्न ये है कि एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन होता क्या है, बहुत ही सिंपल। यहां पे वर्ड है एंटेरो, एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन। जैसे हम लोग एंटेरिक कोटेड टैबलेट आपने पढ़ा होगा, एंटेरिक कोटेड टैबलेट में क्या कहा गया कि वो हमारे इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होती हैं, इसलिए उसका क्या नाम देते हैं, इट इज एंटेरिक कोटेड टैबलेट। ठीक उसी तरह से यहाँ पे एंटेरो वर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ रिलेटेड विद द इंटेस्टाइन और स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा वर्ड है हिपैटिक, हिपैटिक का मतलब क्या हो गया कि लीवर। तो वैसा ब्लड सर्कुलेशन जो फूड कर या कोई भी मटेरियल GLT से इंटेस्टाइन से निकाल ले रहा है और लीवर तक ले जा रहा है, और लीवर से फिर वो चीज़ें हमारे इंटेस्टाइन में एंटर कर जा रही हैं, तो ये जो सर्कुलेशन होगी, इस सर्कुलेशन का हम लोग नाम देते हैं, इट इज़ द एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। अब जो मॉर्फिन है, जब मॉर्फिन एब्जॉर्ब होगा, या जो हमारे 6-एमिनोएसिटाइल मॉर्फिन है, ये जो 6-एमिनोएसिटाइल मॉर्फिन होंगी, ये जब हमारे ब्लड के अंदर होंगी, तो चूंकि मॉर्फिन एक लो लिपिड सॉल्युबल है, लेकिन लिपिड सॉल्युबल है बेशक लो हो, और 6-एमिनोएसिटाइल मॉर्फिन भी एक लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड बहुत आसानी से बाइल के अंदर एंटर कर जाएंगे। लीवर से कहाँ चले जाएंगे, बाइल जूस में, और गॉल ब्लैडर से होते हुए वो ये बाइल कहाँ एंटर करेगा, इनसाइड द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में जैसे ही ये ड्रग एंटर करेंगे, ये ड्रग दोबारा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगी और कहाँ तक पहुँच जाएंगी, इनसाइड द लीवर, और फिर वो लीवर से बाइल में आएंगी, फिर वो बाइल से लीवर में पहुँचेंगी, और फिर
लीवर से दोबारा, सॉरी मैं रिपीट करता रहूँ कि पहले ये लीवर में होंगी, लीवर से बाइल में आएंगी, बाइल से इंटेस्टाइन में आएंगी और इंटेस्टाइन से दोबारा एब्जॉर्ब होकर लीवर में चली जाएंगी और इस तरह से इनका सर्कुलेशन चलता रहेगा और इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे, इट इज़ द एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन। तो जो 6 एमिनो एसिटाइल मॉर्फिन है और मॉर्फिन है, ये दोनों एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाती हैं और इससे इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स बॉडी के अंदर बहुत देर तक ये रहेंगी। अब इसका एक्सेशन क्या हुआ, जो मॉर्फिन हमारे इंटेस्टाइन में एंटर कर रही हैं उनमें से कुछ मॉर्फिन एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ मॉर्फिन स्टूल के साथ बॉडी से बाहर को एक्सक्रीट हो जाएंगी। मतलब क्या हो गया कि जो मॉर्फिन है वो मॉर्फिन दो फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होंगी। एक तो कौन सा हो गया, दैट इज द मॉर्फिन 3-ग्लूकोरोनाइड, मॉर्फिन 3-ग्लूकोरोनाइड जो इनएक्टिव फॉर्म में है और वो यूरिन से एक्सक्रीट होंगी, और कुछ मॉर्फिन होगा जो एक्टिव फॉर्म में होगा वो मॉर्फिन स्टूल से भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि जो मॉर्फिन है उस मॉर्फिन का फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मॉर्फिन।